वन वेलकम टू क्रंच स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर फाइव विच इज योर फैमिली मैरिज एंड यनशिप थोड़ा इलाबोरेट uh, वीडियो रहेगा एक दो वीडियोज में कवर हो जाएगा एक्चुअली जो ये चैप्टर है फैमिली मैरिज एंड किनशिप ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं जिसमें सोशोलॉजी एक इंपॉर्टेंट uh, कॉम्पोनेंट रहता है सिलेबस का उसमें ये चैप्टर जरूरी इंक्लूडेड होता है एंड देन इस चैप्टर से आपके मेजोरिटी एम भी बनते हैं तो हो सकता है इस वाले एग्जाम में भी इस चैप्टर के आपके जो एम सी हैं वो काफ़ी ज्यादा आएँ तो ये वीडियो को आप एंड तक देखें ठीक है इसमें हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे फिर पार्ट टू सेकेंड वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब टू तो दी चैनल वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करती रहती हूँ एंड टेलीग्राम आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की तो उस ग्रुप पे मैं जितने भी के रिगार्डिंग वो पोस्ट अपलोड करती रहती हूं. तो वो आप ज्वाइन है तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मैरिज ठीक मैरिज क्या है बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट लेक्चर में हमने मैंने आपको बताया था सोशल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था क्या होते हैं ठीक है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपका सोसाइटी का मैरिज तो मैरिज जो है इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन देखो मैरिज के फॉर्म अलग हो सकते हैं कहीं पे क्या होता है एक हस्बैंड होता है थ्री वाइफ होती हैं फोर वाइफ होती हैं कहीं पे मेनी वाइफ होती हैं कहीं पे मेनी हस्बैंड्स होते हैं एक वाइफ होता है कहीं पे आप देखोगे ग्रुप की शादी हो रही होती है कहीं पे कजन में शादी हो रही होती है कहीं एडल्ट uh, दो सेम सेक्स के ठीक है होमोगैमी homo होमोसेक्सुअलिटी अब वो वाली शादियां भी कहीं कहीं लीगलाइज हुई हैं तो मैरिज के हो सकता है फॉर्म अलग हो लेकिन मोर और लेस ये एज एन इंस्टीट्यूशन ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में वर्ल्ड की प्रेजेंट है ठीक है गिलेन एंड गिलेन ने कहा था मैरिज जो है ये सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन सोशली अप्रूव्ड वे है अगर आप रिप्रोडक्शन चाहते हो आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बड़े और बच्चे आए आपकी फैमिली में तो उसके लिए मैरिज जो है वो सोशली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है ठीक है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखने को मिलेंगे यूनिवर्सैलिटी जो मैं जैसा कि मैंने पहले कहा यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है आपको हर सोसाइटी में इन वन फॉर्म और द देखने को मिलेगा इसमें एक रिलेशन डेवलप होता है मैन एंड वुमेन के बीच में देखो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि जहाँ पे मैन एंड वुमेन की बात होती थी आज वहाँ मैन मैन की वुमेन वुमेन की बात भी हो रही है तो वो आपको दिमाग में रख के हमेशा चलना होगा फाइन लेकिन इसको अगर हम एक जनरल uh, uh, इसमें डिस्क्राइब करें जनरल वे में तो ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है एक मैन एंड वुमेन के बीच में मैरिज बॉन्ड इज एंड लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड है ये ठीक है आपको इमोशनल इंटेलेक्चुअल कंफर्ट आपको मैरिज से मिलता है रिक्वायर सोशल अप्रूवल मैरिज के लिए आपको सोशल अप्रूवल की जरूरत है वो शादियां होती हैं जो कैसे हुई होती हैं इलोप करके जो बाग के शादी हुई हो होती है उनमें आपको सोशली अप्रूवल नहीं मिलता है क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन जब आपकी शादी होती है आप ऑब्लिगेटेड होते हो टुवर्ड्स योर फैमिली टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन कोई काम करने के लिए अपने बच्चों के अपने हस्बैंड के ठीक है एंड देन हस्बैंड की भी ऑब्लिगेशन होती है क्या ऑब्लिगेशन होती है उनको प्रोवाइड करना होता है फॉर द फैमिली उनको काम करना होता है अगर लड़कियां काम नहीं करती हैं बहुत हद तक ये चीज चल जाती है इस चीज पे उतना फोकस नहीं होता है लेकिन अगर एक लड़का होगा वो कुछ नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए अगर वो नहीं पैसे कमा रहा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है ठीक है तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है हस्बैंड की वाइफ पे एंड वाइफ की हस्बैंड पे तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज के ये आपको पता ही होगा सारी चीजें कभी एग्जाम में अगर इसको थोड़ा घुमा फिरा के कोई एमसीक्यू बन जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है इसी वजह से मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है फॉर्म्स ऑफ मैरिज देखो हमारी शादी के अलग अलग टाइप्स होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं एक आपकी होती है मोनोगी एक है आपका पॉलीग्रामी ये ऐसे टेबल आप भी बना लो अपने रफ नोट्स पे आ, ऐसे टेबल करके आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा एक आपका होता है ग्रुप मैरिजेस इसको हम सीनोगी भी बोलते हैं ये सीनोगी आई गेस आपके बुक पे मेंशन नहीं है इसलिए जो मैं स्लाइड्स में इंक्लूड करती हूँ इसके आप रफ नोट्स बनाया करो मैं इसमें कोई ऐसी बातें आपको एक्सप्लेन या ऐसे टर्म स्पीच में बोलती हूँ जो आपके नोट्स में आपको यूजल नोट्स में नहीं मिलेगा मोनोगी होती है एक एक पार्टनर होता है एक हस्बैंड एक वाइफ मोनोगी Polygamic होता है जिसमें मेनी हसबेंड एंड मेनी वाइफ्स होती हैं इसके दिन फर्दर टाइप्स मिलेंगे आपको पॉली एंड पॉली पॉली एंड्री से आप याद रखोगे पॉली एंड्री क्या होता है पॉली मींस मेनी ठीक है गैमी इज योर मैरिज तो पॉली एंड्री क्या होगा गाइनी रिलेटेड टू फीमेल्स होता है तो पॉली गाइनी क्या होगा मेनी फीमेल्स दैट मीन इसमें फीमेल ज्यादा होती हैं एंड मेल्स कम होते हैं एक मेल एंड मेनी फीमेल्स पॉली एंड्री इसका ऑपोजिट होता है इसमें फीमेल एक होती है वन फीमेल एंड मेनी मेल्स एंड सीनोगैमी इज ए ग्रुप मैरिज ये टोडाज में होता है टोडाज एक ट्राइब है इंडिया की ठीक है इसमें मेनी मेल्स एंड मेनी फीमेल्स होते हैं लेकिन पॉली गाइनी में क्या होता है वन मेल मिलेगा आपको मेनी फीमेल्स मिलेंगी और पॉली एंड्री में क्या होगा वन फीमेल मिलेगी एंड मेनी मेल्स मिलेंगे ये जो पॉली एंड्री होता है ये फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप में एक होता है आपका फेटर्नल पॉली एंड्री एंड सेकेंड वन इज योर नॉन फेटर्नल अकॉर्डिंगली पॉलीगाइनी आपको दो टाइप्स के मिलते हैं सरोरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सरोल ठीक है, फ्रेटर्नल पोलियंट्री क्या होता है जो मेल्स आपस में होते हैं वो भाई होते हैं ब्रदर्स ठीक है इसमें मैंने कहा था एक फीमेल होती है और मेनी मेल्स होते हैं तो जो मेल्स होते हैं वो ब्रदर्स होते हैं फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल इज य बाई ब्रदरहुड एंड नॉन फ्रेटर्नल में बाई नहीं होते हैं सरोरल इसका उल्टा हो गया जो फीमेल्स होती है मेनी फीमेल्स वो क्या होती है आपस में सिस्टर्स दूसरी शादी करनी है आप अपनी जिंदा वाइफ की बहन से नहीं कर सकते हो ठीक है आपको अगर वाइफ की डेथ हो गई फिर उसकी बहन से कर सकते हो लेकिन जब तक आपकी वाइफ जिंदा है उसकी बहन से आप शादी नहीं कर सकते हो मुस्लिम्स में ये प्रोहिबिटेड है अब देखो यहाँ पे कुछ ट्राइप के नाम जो आपकी बुक्स बुक पे लिखे थे ये आप याद कर सकते हो हो सकता है एग्जाम में आ जाए ट्राइब्स पूछे ज्यादा जो इंडियन ट्राइब्स होंगी वो आपको याद रखनी होंगी जैसे नागास एंड बेगियास पे पॉलीगाइनी होती है पॉलीगाइनी फर्दर इज इज एंड नॉन सरोल पॉली एनरी इज फर्दर योर ये एंड नॉन फेटर्नल ठीक है ये मैंने आपको बताया मोनोगी होती है इस प्रैक्टिस अमंग द ट्राइबल्स सच एज कदार संथल्स खासी सनेला होपी इराक्य अंडमान आइलैंडर वेदास ऑफ सेलॉन मला, मलांगाज ऑफ मलाया एंड अदर्स ठीक है तो ये सारी चीजें आप याद रख लोगे और ग्रुप मैरिज को सिनोगी भी बोला जाता है ये भी याद रख लेना इसमें मेनी मेल्स एंड मेनी फीमेल्स होते हैं हाउ एवर ये प्रैक्टिस जो है इतनी ज्यादा इन uh, ये नहीं है रेयर है ये प्रैक्टिस सिनोगी जहाँ पे हसबेंड्स कॉमन होते हैं कॉमन हसबेंड एंड वाइफ जो होती है वो कॉमन वाइफ होती हैं अब जो बच्चे होते हैं दे बिलोंग टू द एंटायर ग्रुप एज ए होल वो किसी एक पर्टिकुलर कपल की या पर्टिकुलर उसमें मेल फीमेल के नहीं होते

कि ये कौन बोल सकेगा कि जो बेबी है उसका जो ये है फादर वो कौन है क्योंकि पुराने पहले ट्राइब्स में फॉलो होता था तो डीएनए टेस्ट वगैरह कराने का ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था तो आज भी लोगों को इस बारे में ट्राइब में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसकी अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं ठीक है थीके? इसमें आप याद रख लेना जो टोडाज है उनकी एक प्रैक्टिस होती है ये फादरहुड ढूंढने की कौन है उसको बो एंड एरो सेरेमनी कहते हैं ठीक है उस सेरेमनी में क्या होता है बायोलॉजिकल फादर का तो नहीं पता होता सोशल फादरहुड डिटर्मिन होता है सोशली उसका फादर कौन होगा ठीक है तो उसको पेटर बोलते हैं तो बो एंड एरो सेरेमनी में वो एक एरो फेंकते हैं स्टेम ऑफ द ट्री में फिर वो जाके ब्राइड को प्रेजेंट करते हैं अगर ब्राइड वो उसकी जो वाइफ होगी वो एक्सेप्ट करेगी जिस भी अपने हस्बैंड का वो एरो एक्सेप्ट करती है दैट मींस की हाँ सोशली वही उसका फादर है और वही उसका फिर केयर टेकर बनता है उसके बेबी का तो उसको हम पेटर बोलते हैं ठीक है वो सोशल फादरहुड होता है ये कौन करते हैं टोडाज ऑफ नीलगिरी इसको फॉलो करते हैं उनमें सेरेमनी होती है बो एंड एरो सेरेमनी तो ये भी आप याद रख लेना इसमें एडिशनल पॉइंट और मैरिज के कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं ठीक है दैट मींस आप कहीं पे मैरिज कर सकते हो कहीं पे आप मैरिज नहीं कर सकते तो दो टाइप में हम इसको यूजली डिवाइड करते हैं एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी गैमी जहां पे भी आएगा दैट इज रिलेटेड टू ए मैरिज ये मैंने आपको बोला एंडो होता है अंदर इन साइड एंड एक्सो इज योर आउटसाइड जैसे इंडिया में क्या होता है अगर इंडिया की हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे कास्ट एंडोगी होती है दैट मीन आपको विद इन द कास्ट शादी करनी होती है ठीक है आप कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते ये ये अगर आपका इंस्टीट्यूशन है ये अगर आपकी कास्ट है तो इस कास्ट के अंदर जो आपकी सिमिलर कास्ट है आप सिर्फ उसमें शादी कर सकते हो अपने कास्ट के बाहर आप नहीं जा सकते हो ये एंडोगी होता है ठीक है कास्ट एंडोगी इसी का एक टाइप है जो कहा प्रैक्टिस होता है इंडिया में और इंडिया में एक चीज होती है विलेज एग्जोगी विलेज एग्जोगी दैट एक्ता है आउटसाइड दैट मीन्स आप अपने विलेज के सिर्फ बाहर शादी कर सकते हो विलेज के अंदर शादी परमिसिबल नहीं है ठीक है तो ये विलेज विज एग्जोगी होता है एक्जोगी मीन्स आउटसाइड से आप ब्राइड ला सकते हो एंडोगी मीन्स विद इन अब वो विदिन कास्ट हो सकता है या विद इन जो भी जिस भी रिलिजन के लिए या जिस भी रीजन के लिए हमें टर्म यूज कर रहे हैं इंडिया में हम कास्ट एंडोगी बोलते हैं विलेज एग्जोगी बोलते हैं देखो इंडिया में एक्जोगी किस एक किस फॉर्म में प्रैक्टिस होती है एक तो गोत्र एग्जोगी होते हैं दैट मीन्स अगर आप सेम गोत्र के हो जिसको सगोत्र भी बोला जाता है आप शादी नहीं कर सकते हो गोत्र क्या होता है ये दरअसल एक लीनिएज है जो आप ट्रेस करते हो टू द कॉमन एनसिस्टर तो ये काफी जनरेशन पीछे जाता है ठीक है तो अलग अलग फैमिलीज जो होती है उनका गोत्र सेम हो सकता है अगर वो खुद को ट्रेस कर सकते हैं कि हम इस फॉलोइंग वो कोई सेंट भी हो सकता है ठीक है तो हमारा उस वो जो एनसिस्टर है हम उस फॉलोइंग एनसेस्टर की प्रजाति है फाइन तो जो अलग अलग फैमिली सेम गोत्र से खुद को ट्रेस करते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते परवारा इज योर दोस्त बिलोंग टू द सेम परवारा द नेम ऑफ ए कॉमन सेंट एट रिलीजियस फंक्शन तो जो बिलीव करते हैं सेम सेंट में वो भी शादी नहीं कर सकते उसको परवारा या परिवारा एक्सोगी बोला जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं जो एक सेम सेंट में बिलीव रखता है वो एक सेम परिवार के होते हैं विलेज एक्जोगी होता है अगेन ये इंडियन ट्राइब्स में प्रैक्टिस होते हैं नागा गारो मुंडास वगैरह में ये इनको क्या करना होता है अपने विलेज के बाहर शादी करनी होती है इन साइड विलेज शादी नहीं कर सकते हैं पिंडा एक में क्या होता है दो हु बिलोंग टू तो द सेम पिंडा पिंडा मीन्स ऑफ द सेम बॉडी ठीक है तो इंडिया में कॉन्सेप्ट है सपिंदा का सपिंदा क्या होता है कि आप शादी नहीं कर सकते अपने मदर्स के साइड से फाइव जनरेशन एंड फादर के साइड से सेवन जनरेशन आप उनमें शादी नहीं कर सकते फाइव जनरेशन फ्रॉम योर मदर साइड एंड फाइव जनरेशन फ्रॉम योर फादर साइड इसको सपिंदा बोल बोला जाता है पिंडा मीन ऑफ द सेम बॉडी इनका ये बिलीफ है हिंदूज का कि आप सेम बॉडी से निकले हो और ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें डॉक्टर इरावती कारवे ने ठीक है तो ये कुछ चार फॉर्म्स ऑफ एक्सोगैमी है जो कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं इंडिया में अब हिंदू में अब मैरेस इन इंडिया देख अभी तक हमने मैरिज एक जनरल एज एन इंस्टीट्यूशन देखा ठीक है अब इंडिया में जो मैरेजेस हैं वो मुस्लिम्स में कैसी होती हैं और हिंदूज में ये दो मेजर इंपॉर्टेंट uh, इसमें टॉपिक्स बनते हैं फाइन तो पहले हम हिंदूज के मैरिजेस का देखेंगे हिंदूज में मैरेजेस को रिलीजियस ड्यूटी माना जाता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम्स में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जो हम निकाह साइन uh, करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज उसको बोलते हैं लेकिन जो हिंदू होता है उनके लिए एक रिलीजियस ड्यूटी होता है इसलिए हिंदू मैरिज को सेक्रमेंट बोल जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ दियर गृहस्थ आश्रम देखो जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज है चार आश्रम्स के अराउंड पहले आपका ब्रह्मचारा वाला पीरियड होता है जिसमें आप शादी नहीं करते हो स्टार्टिंग से आप 24 इयर्स तक मान लो 24 25 ट्वेंटी ब्रह्मचार्य वाला पीरियड होता है जिसमें आपका गुरुकुल पढ़ाई वगैरह वो सब कुछ आता है सेकेंड इज गृहस्थ आश्रम जिसमें फिर आप शादी करते हो अपना घर वर बसाते हो तो ट्वेंटी टू फिफ्टी अराउंड होता है ईयर्स तक फिर फिफ्टी टू सेवेंटी एट्टी ईयर्स अराउंड आपका तीसरा आश्रम स्टार्ट होता है दैट इज ए वन प्रस्थ वन प्रस्थ मीन्स अब आपकी सारी जो ड्यूटीज हैं गृहस्थ आश्रम में वो सारा आपने कवर कर लिया है अब अब वन मीन्स जंगल अब आप जंगल में जाते हो आपको एक फाइंड करना होता है लिबरेशन फ्रॉम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ क्योंकि हिंदू क्या बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं री इनकारनेशन पे कि आपका दोबारा जन्म होगा इस दुनिया में तो उसके लिए आपको क्या करना होता है आपको अगर वो वो जो साइकिल है कि आपको दोबारा इस दुनिया में आना है अगर आपको खत्म करना है तो आपको मोक्ष चाहिए तो ये जो नेक्स्ट टू स्टेजेस है वन प्रस्त एंड फोर्थ इज संन्यास ये एक आपको प्रिपेयर करता है वो मोक्ष हासिल करने के लिए ठीक है सं्यास ये आपका लास्ट वाला स्टेज है तो वन प्रस्ता में आप जंगल चले जाओगे ठीक है सन्यासा में फिर आप वहीं रह जाते हो और आपको अल्टीमेटली क्या अटेन होता है मोक्ष दैट इज अ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आपकी री इनकारनेशन दोबारा नहीं होगी अब आप लिबरेट हो गए हो तो ये फोर आश्रम है जिसमें हिंदू बिलीव करते हैं उसमें जो मैरिज है वो आपके गृहस्थ आश्रम का पार्ट है ठीक है के एम कपाड़िया ने लिखा था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया हैज गिवन मच इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द व्यू दैट जो हिंदू मैरेजेस हैं ये सेक्रमेंट है ठीक है तो किसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये के एम कपाड़िया के उनको उनकी एक्सप्लेनेशन को हम तीन एनालाइज uh, करते हैं तीन एंगल्स में पहला कि एम क्या होता है हिंदू मैरिज का मेन रिचुअल्स क्या है एंड बेसिक बिलीफ क्या है इन तीनों से फिर आप कंक्लूड करते हो कि हाँ जो हिंदू मैरेजेस है वो सेक्रमेंट है दैट मीन वो सेक्रेड है ना कि कॉन्ट्रैक्ट लाइक यूर मुस्लिम मैरेजेस तो इनको क्या माना जाता है सेक्रेड एम्स क्या क्या है अब शादी करने के पहले होता है धर्मा सेकेंड इज योर प्रजा एंड थर्ड इज योर रति ठीक है धर्मा इज योर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस कि आपको शादी करने का बेसिक मस, मकसद क्या है कि आप रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो ठीक है अगर एग्जाम में ऐसे आता भी है कि हिंदू मैरिज का बेसिक जो एम है पर्पज क्या है वो उसमें प्रजा भी लिखा होगा रति भी लिखा होगा धर्मा भी लिखा होगा ठीक है हाइपोथेटिकली मैं आपको बोल रही हूँ तो उसमें आप पहले धर्मा सिलेक्ट करोगे क्योंकि धर्मा पहला मेन एम आता है पहला मेन एम आपका रति है प्रजा नहीं है पहला है कि आपको रिलीजियस ड्यूटी अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करनी है पर प्रजा इज देन योर आगे प्रोक्रिएशन कि आपको बच्चे चाहिए ठीक है आपको रिप्रोडक्शन करनी है अपनी जो फैमिली है नस्ल वो बढ़ानी है तो वो आप कहा जाता है प्रजा वाला कॉन्सेप्ट एंड रति इज अ बॉडीली प्लेजर कि अपने सेक्शुअल प्लेजर की वजह से आप शादी करते हो तो वो जो आपका अपना प्लेजर है इंडिविजुअल का वो थर्ड नंबर पे आएगा ऑल्सो वो भी एम है लेकिन वो इंपॉर्टेंस में कम है एज कम्पेयर टू धर्मा जो आपकी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है शादी कैसे होती है एक सेक्रेट फायर जलाते हैं ठीक है थीके? और ये बोला जाता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द हाउस होल्डर जो प्रोवाइडर होता है ऑफर करना पंच महायजनास डेली इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ ये एक इंपॉर्टेंट धर्म है जो फुलफिल करना होता है इस मैरिज इंस्टीट्यूशन में हिंदूज को वो जो फाइव ये हैं यजनास ये आप सुन लो ब्रह्म यजना देव यजना पितृ यजना मनुष्य यजना एंड भूत ठीक है ब्रह्म यजना होता है जिसमें आप क्या करते हो जो रिलीजियस ये बेसिकली क्या बताते हैं आपको कोई ड्यूटी बताते हैं ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्डर जो आपके फैमिली के जो एल्डर ये होते हैं जिनकी शादी हो रही होती है और उनको अपनी वाइफ के साथ कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं तो ब्रह्म में क्या होता है स्क्रिप्चर्स जो होते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर उनको वो पढ़ना है और आगे वो प्रोपगेट करनी है वो टीचिंग वो आगे पढ़ानी है फिर देव में क्या होता है जिसमें आप किसी रिलीजियस फिगर को क्या करते हो उनको प्रे करते हो अपने प्रेयर्स ऑफर करते हो प्रेयर्स ऑफर तो इनके जो भगवान है कृष्ण जिसपे बिलीव करते हैं उन्होंने ज्यादा इस पे फोकस किया था देव योजना पे वो कहते थे अगर सिंगल योजना भी आप करोगे तो आपकी हाउस होल्ड ड्यूटी परफॉर्म हो जाएगी पितृ योजना में क्या होता है आपने हिंदूज में देखा होगा जो इनके एनसेस्टर्स होते हैं पितृ मतलब उनके फादर्स और ग्रेट ग्रैंड फादर्स होते हैं ये उनको थोड़ा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं ऑफरिंग्स उनको प्रोवाइड करते हैं उनके सामने और कुक्ड राइस बॉल्स वगैरह रखते हैं तो वो पितृ यजना का पार्ट आता है मनुष्य यजना हुआ कोई जब आप भूखे लोग जैसे पुअर पॉवर्टी रिटर्न जो सेक्शन है सोसाइटी का उनको थोड़ा फूड वगैरह प्रोवाइड करते हो प्रोवाइडिंग फूड टू पुअर ठीक है अनभूत योजना इज दैट मीन्स योर ड्यूटी इज यूर ऑल्सो ऑब्लीगेटेड टुवर्ड्स एनवायरमेंट कि आपको सिर्फ एनिमल्स का ध्यान नहीं रखना है आपको अपने एनवायरमेंट का नेचर का प्लांट्स ट्रीज का इनका भी ध्यान रखना है ठीक है तो ये वो ड्यूटीज है जो आप फुलफिल करते हो जब आपकी शादी होती है या आपको अपनी वाइफ के साथ मिलकर करने होते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं पंच पंचमहायजनास ठीक है तो ये डिटेल में नहीं लिखे के हैं आपकी सी एन शंकर राव पे इसीलिए मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको हमेशा साथ साथ बोलती हूँ अगर नोट्स बनाते रहोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा हमें तीन चीजें के एम कपाड़िया ने कही थी सेग्रमेंट बनाती है पहला हो गया एम एम खत्म हो गया अब हम रिचुअल्स देखते हैं क्या रिचुअल्स होते हैं हिंदू राइट्स एसोसिएटेड विद हिंदू मैरिज क्या क्या होते हैं वो पहला होता है वगदाना इसको हम पानी ग्रहण संकल्प भी बोलते हैं ठीक है वगदाना इज जो होती और शादी में ये कौन से रिचुअल्स हैं जो आप परफॉर्म करते हो एक मैरिज सर्मनी में ठीक है कुछ और होती है उनको वगदाना बोलते हैं कन्यादाना इज जो फादर करता है कन्यादान अपनी बेटी का और अपना उसका किसको दे देते हैं अपनी बेटी को एक ब्राइड ग्रूम को होमा बोलते हैं सीक्रेड फायर को जिसके इर्द गिर्द वो सात फेरे जो है वो परफॉर्म करते हैं पानी ग्रहणा इज होल्डिंग द हैंड ऑफ द ब्राइड जिसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वैसे हाथ पकड़ के फिर वो कलश रख के एंड पत्ता रखे वो कुछ प्रैक्टिस उनकी वो भी एक होती है जो परफॉर्म करते हैं उसको पानी ग्रहणा बोलते हैं सप्तपदी इज योर सात फेरे सेवन राउंड अराउंड होमा ठीक है एंड मंगल मंगल या धरना इज योर uh, सूत्र जो मंगल सूत्र पहनते हैं इसको ताली भी बोलते हैं ठीक है ये भी शायद नाम ही लिखे हैं सिर्फ बुक पे और डिटेल में नहीं लिखा है इसलिए मैंने आपको बोला ताकि एग्जाम में अगर कुछ आ जाए तो आप को याद रहिए वगदाना कन्यादाना होमा पानी ग्रहना सप्तपदी एंड मंगलिया देखो एम भी हो गया राइट भी हो गया थर्ड वन इज अ बिलीफ और इसी एम और रिचुअल्स और बिलीफ के चलते आपको के एम कपाडिया ने कहा था कि मैरिज क्या है एक सेक्रेट चीज है इन इंड, इनसोलेबल मैरिटल बॉन्ड क्योंकि हिंदू क्या बोलते हैं अगर आप कि बारात कहीं गई तो वहां से लड़की की अर्थी ही वापस आनी चाहिए मैरिटल बॉन्ड को बहुत सीक्रेट माना जाता है वो टूट नहीं सकता है इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा इसमें और बाद में लेजिस्लेशन लेके आना पड़ा जिसने फिर डिवोर्स वगैरह को अलाउ किया अदरवाइज डिवोर्स रिमैरी ये हिंदू बिलीफ में हिंदू मैरिजेस में ये कॉन्सेप्ट ही प्रेजेंट नहीं था बिलीव दैट मैरिज इज अ सोशल ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली एंड द कम्युनिटी ठीक है इसको एक सोशल ड्यूटी माना जाता है आइडियल ऑफ प्रति पतिव्रता एसोसिएटेड विद अ मैरिज जैसे आपने सुना होगा ना कि पतिव्रता पत्नी है कि काफ़ी ओबीडियंट वाइफ है ओबे करती है तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट बिलीफ है हिंदू मैरिजेस में और इसी का एक पार्ट है ग्लोरिफिकेशन करना सती सिस्टम को कि जो अपने हस्बैंड को इतना ओबे करती थी हस्बैंड के साथ ही उसको उसके फ्यूनरल पायर पे क्या करते हैं उसको जिंदा जलाते थे ये प्रैक्टिस होती थी फिर उसको भी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और इस प्रैक्टिस को अबॉलिश किया गया हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे क्या करते थे जिंदा उसकी वाइफ को भी जला देते थे मैरिज द ओनली सेक्रमेंट फॉर वुमेन तो अब इनका क्या मानना होता है जो मैरिज मैंने आपका सेक्रेमेंट है लेकिन हिंदू हिंदू रिलीजन में हिंदू मैरिज में ही बिलीफ है कि सेक्रेमेंट सिर्फ तो वुमेन के लिए है क्योंकि जो मैन है वो अपने लाइफ के प्रोसेस में काफी सीक्रेट काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं जैसे कुछ रिलीजियस ऑब्लीगेशन है सिर्फ मैन के लिए है ठीक है जैसे सिर्फ वही कंधा देना अर्थी को एंड अर्थी को बाद में आग लगाना वो सिर्फ मैन करता है तो मैन जो है वो अपनी सीक्रेट चीजें कर रहा है इसीलिए मैरिज जो है इसको पर्टिकुलरली सीक्रेट रखा गया है है ठीक अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैरिज देखना है जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज हैं ठीक है हो सकता है एग्जाम में आ जाए आठ फॉर्म्स इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स हिंदू मैरिज के एक होता है आपका ब्रह्मा जो ब्रह्मा होता है मोस्ट एक्सेप्टेड और रेस्पेक्टेड फॉर्म जिसमें आ, क्या करते हैं फादर जो है वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और पूरे रिचुअल्स के साथ अपनी बेटी जो है उसकी शादी करते हैं ठीक है देवी मैरिज में क्या होता है इसमें लड़की को एज अ सेक्रीफाइस जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है टू तो द प्रीस्ट इसमें जो लड़की के फादर है वो खुद जाते हैं ब्राइड ग्रूम को सर्च करने के लिए उस, और लड़की को एक एज सेक्रीफाइस उनको प्रेजेंट करते हैं उन प्रीस्ट को ठीक है अर्श मैरिज जो है इसमें क्या होता है इसमें जो लड़की लड़के के जो फादर है लड़का जो होता है वो टू या टू बुल्स वो प्रेजेंट करते हैं लड़की के फादर को ठीक है और बदले में क्या होती है शादी होती है इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है जो प्रजापतिया है ये भी एक्सेप्टेड फॉर्म है इसमें भी सिंपल तरीके से शादी होती है लेकिन इसमें कन्यादान वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसीलिए इसको क्या लोअर देन ब्रह्मा समझा जाता है रीच, लेस रिचुअली प्योर देन ब्रह्मा क्योंकि इसमें कन्यादान वाली जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं होती है लेकिन ये जो चारू फॉर्म है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो मनु ने लिखी थी जिन जो उस टाइम के लॉ गिवर थे कुछ लॉज वगैरह वो लिखते थे अपनी बुक में तो उस मनुस्मृति में ये सारे मैरिजेस को एक्सेप्टेड मैरिज फॉर्म माना गया है ब्रह्म देवा और प्रजापतिया एंड चार मैरिजेस फॉर्म है जिसको एक्सेप्टेड नहीं माना जाता था पर फिर भी वो प्रैक्टिस होती थी असुरा इज योर मैरिज बाय परचेज असुराइज़ इसको मैरिज बाय परचेज भी बोलते हैं ये याद रख लेना इसमें क्या होता है जो लड़का होता है वो प्राइज देके खरीदता है मीन्स वो वेल्थ या और कोई चीजें दे के लड़की को या लड़के के फादर को लड़की को सीधे खरीदता है ठीक है तो इसको मैरिज में परचेज बोला जाता है गंधर्व इज य लव मैरिज राक्षस वो फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें लड़की को एबडाक्ट किया जाता है किडनैप जबरदस्ती उसकी शादी होती है और साथ में इसमें उस लड़ाई में हो सकता है उसके घर वालों का कत्ल वगैरह भी हो जाए तो वो सारी चीजों के साथ लड़की को किडनैप करते हैं उसके घर वालों का कत्ल करते हैं और है, फिर उस शादी करते हैं जो पैसा चाहे ये मोस्ट डिग्रेडिंग फॉर्म ऑफ मैरिज है इसमें क्या होता है जो लड़का है वो लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है जब वो लड़की या तो इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म में होती है या हाफ स्लेप्ड होती है ड्रीमी स्टेट में होती है वैसी स्टेट में उसके साथ रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है ठीक है तो ये वो टाइप ऑफ मैरिज होती है तो ये जो आपकी फाइव टू एट है ये अनअप्रूव्ड फॉर्म्स हैं और जो वन टू फोर है यही आपकी अप्रूव्ड फॉर्म्स है तो ये भी शायद डिटेल में नहीं देखे होगा आपकी बुक पे ये साथ में सारी चीज़ें आप नोटिस नोट कर लेना तो ये कहने का क्या मतलब था रिसेंटली मैरिजेस में काफी ट्रेंड हुआ है क्योंकि जैसे देख, देखने को आ, मिलता है कि जो अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे अभी प्रैक्टिस में नहीं है इनफैक्ट पॉलीगैमी पॉली एंड्री एंड इवन बाइगामी बाइग्यामी मीन्स दो शादियां एक साथ करना पॉली पॉलीमीन्स मैनी ठीक है तो ये भी ज्यादा अभी देखने को नहीं मिलती है सिर्फ मोनोगेमस मैरिजेस जो है यही यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी होती है और यही यूनिवर्सली प्रैक्टिस भी होती है चेंज इन द एम और पर्पज ऑफ मैरिज ये भी चेंज हो रहा है पहले क्या था ऑब्लिगेशन सबसे बड़ी धर्मा अब इसको धर्मा नहीं माना जाता शादी हम कंपेनियनशिप के लिए करते हैं कोई रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल करने के लिए नहीं चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शन ठीक है आप ग्रूम आप लड़का कैसे पसंद करोगे उसमें भी चेंज आ रहा है चेंज इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन अब आप सिर्फ कास्ट वगैरह नहीं देखोगे ठीक है पार्टी टू सिलेक्शन अब पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते आप क्या होते हैं बच्चे पहले पसंद कर लेते हैं फिर वो पेरेंट्स को मिलाते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन आपकी मर्जी है आप रिलीजियस चीज ना देखो आप इनकम देखो आप आ, कौन कितना हैंडसम है वो देखो इंटेलेक्ट देखो ठीक है तो ये भी आपके अकॉर्डिंग चेंज होता है कि आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए लड़का देखने के लिए तो ये सारी चीजें जो है रिप्रेजेंट करती हैं कुछ चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ मेड सिलेक्शन अब साथ में कुछ लेजिस्लेश भी लेके आई गवर्नमेंट क्योंकि पहले क्या था सती अलाउड था तो उसके बाद सती को एबॉलिश किया गया ये इंडिपेंडेंस uh, से पहले ही हुआ था प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1829 हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पहले विडो जो थी वो रिमैरी नहीं कर पाते थे कैसे कर पाते उनको तो सती परफॉर्म करनी होती थी तो उसके बाद उनको मैरिज के लिए रिमैरी के लिए अलाउ किया गया क्योंकि हिंदूज में क्या था सीक्रेट एक्ट है तो एक बार हो गया दोबारा आप नहीं हो सकता वहां अर्थी वहां बारात चली गई वहां से अर्थी वापस आनी चाहिए तो इस कॉन्ट कॉन्सेप्ट को भी खत्म किया गवर्नमेंट ने और लेजिस्लेशन लेके आए हिंदू रिमैरिज एक्ट फिर आपका गया सिविल और स्पेशल मैरिज एक्ट इसने क्या किया कि इंटर कास्ट और इंटर रिलिजन को भी परमिट किया पहले क्या होता था इंडिया में कास्ट इंडोगैमी ये सारी चीजें लॉ लेके आई फिर चीजें अभी भी कितनी सुधरी हैं वो एक नेक्स्ट ये हो रहेगा आपका वो अलग डिबेट है कि चीजें चेंज हुई हैं कि नहीं लेकिन लॉ इन सारी चीजों पे बने हैं ठीक है इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज को क्या किया गया इस एक्ट uh, के थ्रू परमिट किया गया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 फिर इसको अमेंड किया गया 1978 में इस एक्ट को शारदा एक्ट भी बोला जाता है इसमें क्या किया था मैरिजेबल एज को चेंज किया गया था फर्स्ट जब 1929 में इसको लाया था तो लड़के के लिए एज थी 18 एंड गर्ल्स 14 बाद में इसको अमेंड किया गया 1978 में अब लड़कों के लिए है 21 लीगल जो मैरिजेबल एज है लड़कियों के लिए है एटीन तो ये चीज ये अमेंड हुआ था 1978 में और इसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसने क्या किया था हिंदू मैरिज एक्ट ने डिवोर्स वगैरह परमिट किया था एंड मोनोगी पॉलीग्यामी को इसने इसनेबॉलिश प्रोहिबिट किया था और हिंदूज में पॉलिगैमी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट बाई लॉ अलाउड ठीक है वो प्रोहिबिटेड है तो हिंदू मैरिज एक्ट से मोनोगी का कॉन्सेप्ट आ गया था इनमें कि बस मोनोगी ही सिर्फ परमिटेड है इसीलिए क्या आपको ये चीज़ पता है काफी जो स्टार्स हैं जब उनको दूसरी शादी करनी होती है वो पहले मुस्लिम बन जाते हैं क्योंकि मुस्लिम को कौन अभी भी कंट्रोल करता है मुस्लिम उनका पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ ठीक है तो इस वजह से जैसे जब धर्मेंद्र को भी दूसरी शादी करनी थी हेमा मालिनी से तो वो पहले मुस्लिम बन गए थे फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी क्योंकि हिंदूज में ये परमिट नहीं था जब आपकी पहली वाइफ अलाइव है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इससे क्या करके आया आया था था कौन सा डाउरी को भी प्रोहिबिट किया गया था हिंदू मैरेजेस में ठीक है अब यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं नेक्स्ट में हमें मुस्लिम मैरिजेस डिस्कस करना है और अगर इसका कोई पॉइंट होगा हिंदू मैरेज का वो वहां डिस्कस करेंगे और फाइनली थोड़ा डिफरेंस देखेंगे हिंदू मैरेज में और देखते हैं हम फैमिली और हमारे शिप में और कितना कवर कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो टिल द टाइम मैं अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे